हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 5 नंबर के गोपाल जी के लिए इस तरह का पोशाक बनाए हैं जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर है। देखिए, मैं आपको बैक साइड से भी दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमने दोनों साइड से इस कपड़े को पहना सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ बॉटम की जगह पर मोती लगाया है और एक मोती यहाँ पर हमने लगाया है। इसको इस साइड से भी पहना सकते हैं। और ये देखिए, इसको पहनाना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी भी है। ये देखिए हमारे गोपाल जी कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बार मैं पोशाक आप लोगों को खोल के भी दिखा रही हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने पसंद से, पहनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इनको बहुत ही आसानी से हम पहना देंगे इनको। ये देखिए कितनी बढ़िया फिटिंग इनकी आती है कपड़े की। और देखिए, फ्रिल वाली कपड़े है हमारी। एक बार देखिए, फिर पहना देती हूँ मैं इनको। देखिए, हमने पहना दिया इनको और फिर हम बटन लगा देंगे पीछे। इस तरह से ये पहन लेंगे। इनको आगे और पीछे दोनों साइड से ही हम पहना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए, दोनों तरफ से इसको हम पहना सकते हैं, इधर से भी पहना सकते हैं। तो हमारा ये आगे का पोर्शन हो जाएगा। आइए, अगर हम बटन नहीं लगाएंगे तो हमारा ये पीछे का पोर्शन हो जाएगा। तो आप जैसे यूज करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। तो आइए हम बनाना अब शुरू करें। हमने 26 फंदे डाल लिए हैं इस पर। देखिए, 26 फंदा डालने के बाद में इसको पहले हम बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। तो पहले बॉर्डर बनाने से पहले एक फंदा हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसको दो सिलाई उल्टा बनाएंगे, एक सिलाई ये और एक आगे वाली सिलाई भी हम उल्टा बना लेते हैं इस तरह से। इसके आगे फिर हम बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है इसको। तो आइए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले इस तरह से उल्टा उल्टा। देखिए, हमने इसमें दो सिलाई बुनाई कर लिया है उल्टा। इसके बाद 26 फंदा है तो हमें 3 फंदे को इधर बॉर्डर बनाना है, किनारी बनाना है, जो कि हमारा बटन पट्टी हो जाएगा। 3 फंदा हमने बना लिया। अब इसके आगे देखिए, इस फंदे को हमें टोटल फंदे को बढ़ाना है, डबल करना है। तो इस तरह से एक बढ़ा लेंगे और इस धागे को पीछे करेंगे। फिर इसी में से एक फंदा और हम इस तरह से निकालेंगे। एक बार फिर से देखिए, इस धागे को हम आगे करेंगे, इसको उल्टे की तरह उल्टा बुनाई करेंगे, इस धागे को पीछे करके और इसी धागे में से पीछे से हम निकाल के एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। हमारे फंदे बीच वाले जितने हैं, 3 फंदे इधर, 3 फंदे इधर, दोनों साइड के छोड़ के बाकी हमारे फंदे 20 बच रहे हैं। तो 20 के फंदे हमारे डबल हो जाएंगे, 40 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से आइए पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, लास्ट में हम बना लिए। इसके बाद 3 फंदा बचा है, इसका हमें बटन पट्टी बनाना है इस तरह से। तो हम इसको उल्टा बना लेंगे। ये हमारा उल्टा कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे सिलाई में बनाएंगे। तो एक फंदा इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद में पूरा सिलाई हमें उल्टा उल्टा ही सिर्फ बनाना है। जिस फंदे को हमने बढ़ाया है और जो फंदा हमारा पहले से है, ये सब को हम उल्टा ही बना लेंगे। तो आइए इस तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लें। देखिए, वो सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। और फिर आगे वाली सिलाई में हमें इसी तरह से एक फंदा को हम उतार लेंगे
और पूरा सिलाई हमें उल्टा बनाना है। इस तरह से पूरा सिलाई हम उल्टा इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे उल्टा, फिर आगे वाली सिलाई भी हम उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो दो सिलाई बना लेते हैं, इसके बाद तीसरे सिलाई में हम फिर आपको आगे बताएंगे। देखिए ये सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाली सिलाई में हमें कैसे बनाना है, तो ये जो बॉर्डर वाला हमारा फंदा है इसको तो तीन फंदा हमें बना ही लेना है। इसके बाद देखिए दो फंदा हम प्लेन बुनाई करेंगे, इसके बाद एक फंदा को हम उसी तरह से बढ़ाएंगे जैसे कि पिछले सिलाई में हमने बढ़ाया था। फिर धागे को इस तरह से करेंगे और इस फंदे को इस तरह से हम करेंगे, फिर दो फंदा हम प्लेन बनाएंगे उल्टा और फिर तीसरा फंदा में हम इस तरह से बढ़ा देंगे इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे, फिर दो फंदा प्लेन बनाएंगे, दो फंदा हमने प्लेन बना दिया, यहाँ पर फंदा हमने बढ़ाया था, यहाँ पर एक फंदा दो फंदा हमने प्लेन बना दिया और तीसरा फंदा हम इसको बढ़ा देंगे इस तरह से, फिर दो फंदा हम प्लेन बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा सिलाई हमें कंप्लीट करना है। तो आइए हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे वाली सिलाई में हमें मात्र उल्टा वो ही उल्टा बनाना है। तो आइए इसको हम कंप्लीट करके फिर दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसमें हमारी ये दो सिलाई कंप्लीट हो गई है। दो सिलाई पूरा होने के बाद फिर हम आगे वाली सिलाई, दो सिलाई हमें लग रहा है कि और बनाना है, तो इसको हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दो सिलाई और हम बना लेते हैं इसी तरह से उल्टा। शुरू में हमने तीन फंदे ये बॉर्डर के लिए रखा है और बाकी का फंदा हमें उल्टा बनाना है। तो टोटल मिला करके हमारा चार सिलाई दोनों साइड से उल्टा हो जाएगा। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं दोनों सिलाई। फिर देखिए हमारा ये पैटर्न कंप्लीट है इस तरह से। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, इस फंदे को सीधा लेकर के उतार के तीन फंदा हम जो बॉर्डर के लिए रखते हैं, ये हमारा तीन फंदा बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें तीन फंदा को लेकिन साथ में काउंट करना है, तीन के बाद चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदा हमने बुनाई कर लिया है। बारह फंदा के बाद ये बारह फंदा को हम बंद करेंगे इस तरह से। तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, ये हमारा भी दस फंदा हुआ है। ग्यारह और ये हमारा बारह फंदा, ये हमारा बाजू के लिए घट गया है। अब जब बाजू बनाएंगे तब इसको हम इस तरह से बाजू में रखेंगे। अब फिर हमें बारह फंदा को प्लेन बनाना है। तो एक तो फंदा हमने बुनाई कर लिया था, दो तीन चार पांच छः सात
आठ, नौ, दस, ग्यारह, एक, बारह। बारह फंदा हमारा ये पीठ के लिए हो गया है। अब फिर बारह फंदा एक दूसरे बाजू के लिए छोड़ेंगे, तो ये इसको भी छोड़ लेते हैं इसी तरह से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, ये हमारा बारह फंदा हो गया। देखते हैं कितना फंदा बचा है। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, हमारा बारह का बारह फंदा तैयार है। हमारा टोटल पहले से साठ फंदा हो गया था बढ़ा के, तो हमने उसको पांच हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, दो आगे और एक पीछे और दो बाजू के लिए। बहुत ही बढ़िया फिटिंग ड्रेस आएगा फ्रेंड्स। और जब ये इस तरह से बन जाएगा हमारा, अब ये पूरी सिलाई को हमें एक साथ ही उल्टा बना लेना है। तो आइए हम एक सिलाई पूरा उल्टा बना लेते हैं, थोड़ा सा हम दिखा भी दे आपको कि एक साथ में कैसे इसको अटैच करके बना लेना है। इसको बुनाई कर लिया है हमने। अब ये वाला फंदा को हम एक साथ में यहाँ से हम बुनाई कर लेंगे इसी तरह से। देखिए हमारा अटैच हो गया है, पूरा सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बताएंगे आपको कि हमें कैसे बनाना है। देखिए इस तरह से ये वाला लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है सिलाई। अब सीधी सिलाई में जब हम आ गए हैं इसको, तो इस तरह से हमें अब खाली सीधा बनाना है। तो इसमें हम तीन फंदा जो बॉर्डर था बटन पेटी के लिए उसको रखेंगे, बाकी धागे को पीछे की तरफ फेरते हुए पूरा बुनाई हम सीधा ही करेंगे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा के साइड में सीधा करेंगे, उल्टा साइड में हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये दोनों बाजू बन गया। बहुत ही प्यारा बढ़िया ड्रेस बनेगा फ्रेंड्स। तो आइए चार सिलाई हम अभी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें आगे बनाना है कि नहीं बनाना है, कैसा फिटिंग आ रहा है उसके हिसाब से हम ड्रेस रेडी करेंगे। तो आइए पहले इसको उल्टे की साइड में उल्टा बनाएंगे, सीधे साइड में हम सीधा बनाएंगे, कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा ये पूरा हो गया है इस तरह से। तो हमने अब क्या करना है कि इसमें आप आगे से भी इसको पहना सकते हैं, इसको आप पीछे से भी पहना सकते हैं गोपाल जी को। अगर इस तरह से पहनाएंगे तो ये आपका आगे वाला पोर्शन ये आपका आगे आएगा, और अगर इसको आप पीछे करना चाहते हैं तो ये वाला पोर्शन आपका आगे आएगा। तो आप दोनों तरह से इस कपड़े को यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसको आप चाहें यहाँ से तो बंद भी कर सकते हैं फंदे को, और दूसरा फंदा उठा करके नीचे का घेरा आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको घेरा इसी में इसी फंदे के साथ बनाना बताऊंगी। तो इसमें हम दूसरा कलर अब लगाएंगे। दूसरा कलर जब लगाएंगे तो पहले हम लगा लेते हैं इस ऊन को, इसके बाद हम ये पूरा सिलाई उल्टा कंप्लीट करेंगे।
ताकि हम आगे से डिजाइन डाल सकें। जो भी हमको घेरा बनाना है उसी हिसाब से हम बना लेंगे। तो आइए इस सिलाई को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको आगे बताएंगे। देखिए जब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं तो ये हमने बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद में इसको देखिए हमें कैसे करना है। एक फंदा जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाया था वैसे ही हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो एक फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 60 फंदा था, तो 60 फंदा का 12, 24, 36, 48 ये 60। तो यहाँ पर हमारा 12, 24 और 36, 36 फंदा हमारा ये टोटल 36 फंदा हमारा ये बच गया। 36 फंदा से ही हमें नीचे घेरा बनाना है। तो 36 का जब हम डबल करेंगे तो 3 इधर हमारा बॉर्डर में आ रहा है, 3 इधर हमारा बॉर्डर में आ जाएगा। इसके अलावा 30 फंदा होगा तो 30 का हमारा 60 फंदा हो जाएगा। बीच वाले फंदे को हमें डबल करना है, इतना ही मान के हमको चलना है इस सिलाई में। इसको इसी तरह से हम अभी डबल करेंगे तो पूरी सिलाई आई। हम बढ़ा लेते हैं इस फंदे को इसी तरह से और लास्ट का ये 3 फंदा हम बॉर्डर बना लेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें इसमें कैसे बनाना है। इस तरह से ये वाला सिलाई हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब हमारा ये 3 फंदा बॉर्डर बच गया है तो इसको हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये सिलाई में हम पूरा सिलाई उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। तो आइए इसको हम बना करके कंप्लीट करते हैं इस तरह से। देखिए हमने इस सिलाई को भी पूरा कर लिया है। अब जब हम आगे वाली सिलाई बनाएंगे सीधी सिलाई तो उसमें भी ये 3 हम बटन पट्टी अपना बना लेंगे। इसके बाद इसमें हमें फिर वही पैटर्न बनाना है जिसके हमने पिछले सिलाई में बनाया था, क्योंकि घेरा है इसमें फंदे हमें ज्यादा चाहिए। एक लाइन और हम इस फंदे को इस तरह से बढ़ाएंगे। तो 3 फंदा इधर बॉर्डर और 3 फंदा इधर बॉर्डर, जो बटन पेटी हमारा आ जा रहा है इसको छोड़ के बाकी जितने फंदे हैं इसको हमें डबल करना है। तो आइए इस तरह से इस पैटर्न को हम पूरा कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम आपको बताएंगे कि हमारा आगे वाला डिजाइन कैसे बनाना है इसमें। देखिए ये वाली लाइन हमारी पूरी हो गई है। अब हमें उल्टा साइड में बनाना है। तो उल्टा साइड में हमें क्या करना है कि पूरा फंदा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें सिर्फ उल्टा ही उल्टा बनाना है। और हम इसी धागे से बनाएंगे जिससे बनाते आ रहे हैं। तो आइए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से। फिर आगे वाली लाइन में हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। हमें हर लाइन पर ध्यान देना है तभी हमारा ड्रेस बढ़िया बनेगा और उसका लुक भी सुंदर आएगा कंप्लीट होने के बाद। तो इसी तरह से हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारी ये उल्टी सिलाई एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी सिलाई में हम बनाएंगे तो इस सिलाई में जैसे हम बना रहे थे तो उसमें क्या करना है कि एक फंदे को तो हमने सीधा लेना था, ले लिया, और 2 फंदा हम उल्टा बना रहे थे। अब धागे को फेर के हम इसमें 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 4 फंदा उल्टा बनाएंगे। पूरा पैटर्न सिलाई हमें ऐसे ही बनाना है। देखिए 1, 2, 3, 4 4 फंदा हमने सीधा बना लिया और फिर 4 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4
फिर धागा फेर देंगे, फेर के चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर चार फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से पूरा सिलाई हमें ये लाइन कंप्लीट करना है, तो आइए हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है। देखिए हमारा उल्टा सिलाई पूरा हो गया है, सीधा सिलाई हमारा पूरा हो गया है। उल्टा सिलाई में जब आएंगे तो पूरा सिलाई हमें उल्टा ही बनाना है, उल्टा ही कंप्लीट करेंगे हम। ये हमारा सीधा है और इधर से हमारा ये उल्टा है। तो आइए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, इस तरह से कर ले। उल्टा सिलाई इधर से हमारा पूरा हो गया है। अब सीधे सिलाई में हम फिर आए हैं, तो सीधा सिलाई में हमें वैसे ही बनाना है जैसे कि हमने पिछले सिलाई में इस पैटर्न को पूरा किया था। ये हमारा फंदा बॉर्डर है, तीन फंदा हमारा बॉर्डर था। इसके बाद जो हमने चार फंदा देखिए सीधा लिया था उसको हमें सीधा बना देना है, सीधा पर सीधा बनाना है, उल्टा पर हमें उल्टा बनाना है। दो फंदा, ये तीन, ये चार हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा उल्टा है चार फंदा, तो उल्टा को उल्टा बनाना है, सीधा को सीधा बनाना है। दो तीन ये चार, फिर देखिए यहाँ पर हमारा सीधा आ गया चार फंदा, तो इसको सीधा बनाएंगे। चार फंदा हमने सीधा बना लिया और इसको हमने उल्टा बना लिया, एक दो तीन चार। इसी तरह से इस लाइन को पहले हम पूरा कर ले और उल्टा सिलाई में आएंगे तो पूरा सिलाई हमें उल्टा बनाना है। इसके बाद फिर सीधा में आएंगे हमें तो फिर यही वाला हमें रिपीट करना है लाइन। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, तब हमें भी दो सिलाई बना ले, इसको लेकर के हमें तीन सिलाई अभी बनाना है। तो आइए हम बना लेते हैं तीन सिलाई, तब उसके बाद हम बताएंगे आपको। देखिए हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया है, अब आगे वाले में हम बना रहे हैं सिलाई में। तो ये जो हमारा तीन फंदा बॉर्डर था उसको उतार दिया, इसके बाद हमारा फिर चार फंदा ये उल्टा ही आ रहा था तो इसको भी हम उतार देंगे, एक दो तीन चार। उतार देना मतलब यहाँ पर हम बुनाई कर देंगे। अब इधर से जो हमारा ये फंदा सीधा दिख रहा है चार फंदा, इसको हम बंद करेंगे इस तरह से, एक दो तीन, और ये हमारा एक ये हमारा चार फंदा ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए जो चार फंदा हमने बनाया था सीधा, ये चार फंदे को हमने उतार दिया, और फिर ये चार फंदा जो हमारा ये उल्टा था इसका हम बुनाई कर लेंगे, एक दो तीन ये चार, चार फंदा हमने बुनाई कर लिया। और फिर चार फंदा जो है इसको हम बंद करेंगे इस तरह से, एक दो तीन, एक ये चार। इसी तरह से हमें चार फंदा बुनाई करना है, चार फंदा हमें उतार देना है, चार फंदा बुनाई करना है, चार फंदा हमें इसको उतार देना है। इसी तरह से इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो आइए हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, ये पूरे सिलाई को लास्ट तक कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसको हमें कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली सिलाई हमारी बन के पूरी है। इस तरह से हमने सीधा फंदा को घटा दिया है और उल्टा वाला फंदा को हमने
सिलाई पे ही रखा है। और ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। अब इसमें हमें फिर वैसे ही करना है जैसे कि हमने पिछले सिलाई में फंदे को बढ़ाया था। दो, ये तीन फंदा हमारा बॉर्डर हो गया। तीन फंदा बॉर्डर होने के बाद में देखिए इसे हमें क्या करना है, इसमें फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो आगे वाला घेरा हमारा छोटा हो जाएगा। इस तरह से करके हम फंदे को फिर हम बढ़ा लेंगे वन बाय वन। सेम पैटर्न जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो इधर आएंगे हम तो क्रीम कलर वाला धागा हम लगाएंगे, दूसरा कलर हमें चेंज करना है, इसीलिए इस लाइन को हम इधर ही पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से हम इस लाइन को देखिए, ये वाला जहाँ यहाँ पर हमारा इस तरह से ये डिजाइन बन जाएगा। इस तरह से बहुत ही प्यारा और सुंदर ये डिजाइन हमारा बन जाएगा इस तरह उठा उठा हुआ। आइए इस लाइन को हम पूरा करते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि इसमें हम कैसे और कहां पर क्या करना है। जहां पर हमने फंदा छोड़ा है वहां पर हमारा गैप है, तो इसको हमें ज्वाइंट कर लेना है। एक साथ में इस तरह से बुनाई कर लेंगे तो ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। और उल्टा सिलाई में आएंगे तो इस धागे को हम लगा करके कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेम पैटर्न रेडी कर लिया है। जैसे हमने इसको बनाया था वैसे ही हमने इसको बनाया है दूसरे कलर में। अब इसे हमें बंद करना है, तो इस तरह से हम इसको बंद करेंगे दो फंदे एक साथ लेके। और इसका नीचे वाला जो फंदा अभी हम बना रहे हैं जिस सिलाई को, इसको हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो फिर सिकुड़न आ जाएगी। इस तरह से दो फंदे एक साथ में करके इसको हम बंद कर लेंगे। इसको इसी तरह से देखिए हमें कंप्लीट करना है। देखिए इसको इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो आइए पूरा सिलाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि हमारा ये कैसे बन के लग रहा है। देखिए ये हमारा ड्रेस बन के तैयार है। और इस तरह से देखिए इसका ये नीचे का घेरा आया है हमारा, ये बहुत ही सुंदर और प्यारा घेरा बन गया है नीचे का, ये देखिए। और ये हमारा ऊपर का पोर्शन हो गया और ये हमारा पीछे का हो गया। इस तरह से इसको और ये हमारा आगे का पोर्शन हो गया। इसको हम दोनों साइड से भी बना सकते हैं। इस पर हमने सो के लिए दो बटन भी लगा दिए हैं इस तरह से। और देखिए पीछे हम यहाँ पर अभी बटन लगाएंगे, लगाना बाकी है। और हमारा ये ड्रेस बन के रेडी है। अगर ये ड्रेस आपको पसंद आई हो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, इस पर कमेंट करें आप किस तरह की वीडियो और ड्रेस बनाना पसंद करते हैं। इससे मिलता जुलता आप कोई भी साइज का ड्रेस बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।